जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, सारी संगत को जय गुरुजी। आज मैं आप सबको बताऊंगी कि एक संगत को शिवजी ने कैसे दर्शन दिए। बहुत ही अच्छी इन्फॉर्मेशन दूंगी इस वीडियो में, इसलिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना और कमेंट्स में जय गुरुजी लिखना मत भूलना। कैसे एक सच्चे भक्त ने अपनी भक्ति से शिव को पाया। नाद नगर एक ऐसे शिव भक्त थे जिसे बचपन से ही लगता था कि शिव उन्हें बुला रहे हैं। उनकी माता बचपन से ही उन्हें भगवान शिव से जुड़ी कहानियां सुनाती रहती थी, इसलिए उन्हें लगता था शिव उन्हें बुला रहे हैं। भक्ति के रूप में नाद नगर शिव जी के बेहद करीब आ चुके थे, पर उन्होंने कभी शिवलिंग को छुआ भी नहीं था, क्योंकि वह एक बंधुआ मजदूर थे और समझ में अछूत का जीवन जी रहे थे। बचपन से ही नाद नगर को भगवान शिव के प्रति एक उत्साह के कौतूहल था। बंधुआ मजदूर होने की वजह से उसे शिव मंदिर तक जाने तक की भी इजाज़त नहीं थी। नाद नगर के मन में भगवान शिव का विचार उसे एक नई उमंग लेकर देता था। नाद नगर जहाँ रहते थे वहाँ से करीब 25 किलोमीटर दूर भगवान शिव का एक मंदिर था और नाद नगर को लगता था कि भगवान उन्हें बुला रहे हैं। वह हमेशा उस मंदिर में जाना चाहते थे, पर एक बंधुआ मजदूर के जीवन पर उसका अपना भी अधिकार नहीं होता था। ज़मींदार की इजाज़त के बगैर वह कहीं नहीं जा सकता था। उन्होंने ज़मींदार को अनेकों बार कहा, सिर्फ एक बार, एक दिन के लिए उस मंदिर में जाना चाहते हैं, लेकिन ज़मींदार हर बार उन्हें मना कर देता। ज़मींदार कहता, खेतों में बहुत काम है, तुम मेरा एक दिन भी खराब नहीं कर सकते हो। ज़मींदार बार बार मना करने पर भी उनके शिव दर्शन की इच्छा कम नहीं हुई, बल्कि उनकी भगवान शिव की प्रति जिज्ञासा और बढ़ती गई। उन्हें तो बस एक बार शिव को देखना था कि वह कैसे दिखते हैं। अगले दिन एक नए उत्साह और ऐसे गौरव के साथ उसने ज़मींदार से शिव मंदिर जाने को पूछा, ऐसा गौरव जो एक बंधुआ मजदूर से बिल्कुल नहीं होता। ज़मींदार ने फिर मना कर दिया। नाद नगर ने कहा, मैं कल जाना चाहता हूँ, मैं आज ही सारा काम पूरा कर लूँगा, बस एक दिन की तो बात है। इस बार ज़मींदार ने उसकी बात मान ली। ज़मींदार ने कहा, तुम जा तो सकते हो, लेकिन कल सुबह जाने से पहले तुम्हें 40 एकड़ ज़मीन की जुताई करनी होगी, तभी तुम शाम तक के लिए जा सकोगे, वरना नहीं। ऐसा कहकर ज़मींदार वहाँ से चला गया। नाद नगर जानते थे कि एक रात में 40 एकड़ ज़मीन जोतना संभव नहीं है, इसलिए उन्होंने ये मूर्खतापूर्ण प्रयास नहीं किया और रात को सोने चला गया। मगर उस रात भी शिव का विचार उनके रोम रोम में एक नई ऊर्जा भर रहा था। उन्होंने सोचा कि कल चाहे कुछ भी हो, मंदिर तो जाना ही है। ऐसा सोचकर वो सो गया। सुबह जब नाद नगर उठते हैं तो देखते हैं कि सारे गांव में हंगामा मच रहा है। शोर सुनकर नाद नगर अपनी झोपड़ी से बाहर आते हैं तो ये देखकर हैरान हो जाते हैं कि सारी की सारी 40 एकड़ ज़मीन जुती पड़ी है। ज़मींदार ये सब देखकर हैरान था और वे नाद नगर के पैरों में आ गिरा। उस गरीब मजदूर के साथ जो हो रहा था वह सब हैरान कर देने वाला था। संगत जी, सभी नियम टूट चुके थे। ज़मींदार मजदूर के पैरों में पड़ा था। सभी ये देखकर हैरान थे कि 40 एकड़ ज़मीन एक रात में किसने जोती है। उन्होंने इससे पहले इतना बड़ा चमत्कार कभी नहीं देखा था। सभी गांव वाले भी उसके चरणों में थे। सभी ने उसे कुछ ना कुछ दिया, किसी ने भोजन तो किसी ने सिक्के। सभी ने ये कहा, ये मंदिर जा रहे हैं, ईश्वर ने खुद इसे चुना है, स्वयं शिवजी ने आकर इसके लिए 40 एकड़ ज़मीन को जोता है। लोगों के प्यार के साथ वे आनंद भरे दिल से मंदिर की ओर बढ़ा और बहुत पैदल चलने के बाद वह आखिरकार मंदिर पहुंच ही गया। मगर मंदिर के बाहर खड़े हुए उसकी आंखों में आंसू आ गए। सारा जीवन एक अछूत की तरह जीने के कारण वे भूला नहीं था कि मंदिर का पुजारी उसे आसानी से मंदिर की ओर अंदर जाने नहीं देगा।
नाद नगर उदास और नीरस मन से वही मंदिर के बाहर खड़ा हो गया और बाहर से ही शिवलिंग को देखने की कोशिश करने लगा। संगत जी, शिवलिंग के ठीक सामने बैठा नादी वहाँ से दूसरी ओर खिसक गया और नाद नगर ने शिवजी के दर्शन किए। पत्थर से भरी नादी एक और खिसक गया। ये देखकर वहाँ के पुजारी और बाकी लोग हैरान हो गए। मंदिर के बाहर खड़ा गरीब मजदूर दोनों हाथ उठाए हर हर महादेव चिल्ला रहा था। इस घटना के बाद उस गरीब मजदूर का नाम नादनगर पड़ा। पहले उसका कोई नाम ही नहीं था, उसे एक साधारण बंधुआ मजदूर के नाम से जाना जाता था और इस घटना के बाद वह एक मशहूर संत बन गया। संगत जी, जब दिल में सच्ची भावना होती है, सच्ची भक्ति होती है, तो भगवान भी खुद दर्शन देने आ जाते हैं। संगत जी, ऐसे ही जैसे नादनगर को शिव भगवान ने दर्शन दिए, ऐसे ही अगर हमारी भक्ति गुरु जी के प्रति सच्ची होगी तो गुरु जी भी हमें एक ना एक दिन दर्शन ज़रूर देंगे। अगर आपको गुरु जी से रिलेटेड कुछ भी पूछना है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं, मैं उसका आंसर कमेंट में रिप्लाई करके या फिर वीडियो बनाकर ज़रूर दूंगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।